नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम राज में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको हमारे मोबाइल की बैटरी की एक ऐसी खतरनाक ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप अपने बैटरी आइकन को चेंज कर सकते हो। हाँ जी, आपने सही सुना, आपने सभी मोबाइलों में देखा होगा कि बैटरी आइकन तरह तरह के होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी बैटरी आइकन को या फिर अपने फोटो को बैटरी में सेट कर सकते हो। हाँ जी, आपने सही सुना। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर देना सब्सक्राइब भाई, क्या जाता है। और इस घंटे के बटन को जरूर से दबा देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ये छोटा सा काम करने के बाद अपने बैटरी के आइकन को चेंज करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और आपको सर्च बार पर लिखना होगा स्टेटस। हाँ जी, आपने सही सुना, स्टेटस लिख के सर्च कर लीजिए। और इसे सर्च करने के बाद आप थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है स्टेटस। इसका मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। इसका लोगो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। इस ऐप को अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल कर लिया दोस्तों, चलिए हम लोग इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर वाले एनेबल बटन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको दो तीन परमिशन को अलाउ करना होगा। तो मैं फर्स्ट परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ये अलाउ हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर में ग्रांट एक्सेस का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से इसको एनेबल करके कंटिन्यू कर लीजिए। और आपको थर्ड नंबर पे एक और परमिशन मिलता है नोटिफिकेशन का, इसको भी आप यहाँ से दोनों नोटिफिकेशन को आप यहाँ से एनेबल कर लीजिए। यहाँ पे आपको आके इसे इस परमिशन को अलाउ कर देना है। और सेकंड नंबर पे भी एक परमिशन है, इसे भी आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल बटन का। इसे क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे में ओके का बटन मिल रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए, और आपको सबसे नीचे का ऑप्शन मिल रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट आपके सेटिंग में ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे स्टेटस सर्विस नाम का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से इसे एनेबल करके सिंपली आप बैक आ जाइए, और इसे आप फिनिश कर लीजिए। और फिनिश करने के बाद दोबारा आपको एनेबल बटन पर क्लिक करना होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन बार चेंज हो चुका है। और अगर आप अपने बैटरी आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको आइकन पर क्लिक करना होगा, और नीचे आ जाइए, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी आइकन का। ये अगर ऑफ होगा तो आप यहाँ पे टैप करके इसे एनेबल कर सकते हैं। और इसे करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसे ऑन करने से आपको यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाएगा कि आपका बैटरी कितना चार्ज है। और आइकन को बदलने के लिए आपको आइकन स्टाइल पर क्लिक करना होगा, और इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, आप किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे नीचे वाला ही सिलेक्ट करके मैं आपको तब तक के लिए दिखा देता हूँ। और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ये मेरा आइकॉन चेंज हो चुका है। मैं आपको एक बार और दूसरा कोई करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं वो भी यहाँ पे सेट अच्छी तरह से हो चुका है। और अगर आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे इस टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट स्टाइल पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको चार फॉन्ट मिलेंगे, और यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करके ओके कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये टेक्स्ट परसेंटेज का टेक्स्ट यहाँ पे इधर उधर हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको एल्गोरिथम का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये लेफ्ट राइट या कस्टम में आप कहीं पर भी अपने बैटरी के आइकन को ला सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं दोस्तों, आप एक एक करके यहाँ पे इसे जान लीजिएगा। तो यही था वो ट्रिक दोस्तों, कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।